इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग प्रोबेशन पीरियड पे। तो प्रोबेशन पीरियड क्या होता है सभी जॉब में, तो कोई कोई जॉब में 2 साल का होता है, किसी जॉब में 1 साल का होता है। तो इसमें जो BSPSCL है SBO में, इसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड था और 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद इसमें रेगुलर पे पर सैलरी मिल रही थी और 1 साल तक आपको 9200 बेसिक पे सैलरी बन रहा था। तो प्रोबेशन पीरियड सभी जॉब में होते हैं। प्रोबेशन का अर्थ होता है मतलब परीक्षा अवधि, जिसमें आपको 2 या 1 साल के लिए आपको प्रोबेशन अवधि में रखा जाएगा। मतलब कि अगर उस अवधि के दौरान अगर आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ड्यूटी में, चाहे डॉक्यूमेंट्स या और किसी में अगर आप गलती पाए गए, तो आपको उस टाइम नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। तो सभी जॉब में प्रोबेशन पीरियड होता है। और एक कमेंट आया है मेडिकल के बारे में, इससे पहले आपको बता दें कि प्रोबेशन पीरियड में हम लोग को मात्र 8300 सैलरी मिल रही थी 1 ईयर तक। उसके बाद 1 साल के बाद आपके ज्वाइनिंग डेट से आपको सभी तरह के जो भी है अलाउंसमेंट मिलने लगेंगे, लेकिन प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको केवल बेसिक मिलेगा, वो भी था शायद 8300 और इसमें किसी तरह का अलाउंसमेंट ऐड नहीं था। लेकिन 1 साल जो ही आपका पूरा होगा उसके बाद आपको बेसिक लेवल 3 के अनुकूल जो भी बनता है और उसमें सभी तरह के अलाउंसमेंट जोड़ के टोटल सैलरी आपको मिलेगा। तो ये सभी जॉब में होता है। अगर आप किसी भी जॉब का अगर आप ज्वाइनिंग लेटर देखे होंगे तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो प्रोविजनल है। प्रोविजनल मतलब एक प्रकार का डुप्लीकेट होता है, जैसे डुप्लीकेट ज्वाइनिंग है। अगर प्रोबेशन पीरियड के अंदर आप दोषी पाए गए तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसके बाद एक कमेंट आया है मेडिकल के बारे में, इसमें मेडिकल कैसे होता है। तो आपको पता है कि मेडिकल इसमें आपको अपने जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के सरकारी अस्पताल से आपको मेडिकल बना के ले जाना पड़ेगा, तो आसानी से हो जाता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेडिकल इसमें कोई मायने नहीं रखता है।